विज्ञान की दुनिया निरंतर खोज, परिवर्तन, आविष्कारों की ओर लगातार चलती रहती है। दुनिया आज विकास के जिस ऊंचे स्तरों पर हमें दिखाई दे रही है, वह विज्ञान और वैज्ञानिकों के महान आविष्कारों की बदौलत ही है। खास बात यह है कि दुनिया की इस तस्वीर को बदलने में भारतीय वैज्ञानिकों का भी महत्वपूर्ण योगदान है। आइए आपको बताते हैं भारत के 10 ऐसे महान वैज्ञानिक जिन्होंने विश्व पटल पर भारत के प्रति नजरिए को बदल दिया और देश में विज्ञान के क्षेत्र में क्रांति ला दी। और वीडियो शुरू करने से पहले, आप अगर हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन की बटन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको कोई भी नई वीडियो डाले तो नोटिफिकेशन मिले। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम, भारत के पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न एपीजे अब्दुल कलाम भारत में मिसाइल मैन के नाम से भी जाने जाते हैं। 1962 में वे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में शामिल हुए। कलाम को प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह SLV तृतीय प्रक्षेपास्त्र बनाने का श्रेय हासिल है। 1980 में कलाम ने रोहिणी उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा के निकट स्थापित किया था। उन्हीं के प्रयासों की वजह से भारत भी अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष क्लब का सदस्य बन गया। इसरो लॉन्च व्हीकल प्रोग्राम को परवान चढ़ाने का श्रेय भी इन्हें प्रदान किया। जयंत विष्णु नार्लिकर, महाराष्ट्र के कोल्हापुर में जन्मे प्रसिद्ध वैज्ञानिक जयंत विष्णु नार्लिकर भौतिकी के वैज्ञानिक हैं। उन्होंने ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बिग बैंग की थ्योरी के अलावा नए सिद्धांत स्थायी अवस्था के सिद्धांत स्टेडी स्टेट थ्योरी पर भी काम किया है। उन्होंने इस सिद्धांत के जनक फ्रेड हॉयल के साथ मिलकर काम किया और हॉयल नार्लिकर सिद्धांत का प्रतिपादन। डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस, डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस को सर बोस भी कहा जाता था। उन्हें भौतिकी, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान तथा पुरातत्व का गहन ज्ञान था। वे दुनिया के पहले ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने रेडियो और सूक्ष्म तरंगों की प्रकाशिकी पर कार्य किया। इसके अलावा वनस्पति विज्ञान में भी उन्होंने कई महत्वपूर्ण खोजें की। वे भारत के पहले वैज्ञानिक थे जिन्हें अमेरिकी पेटेंट मिला। पूरी दुनिया में उन्हें रेडियो विज्ञान का पिता कहा जाता है। डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस, डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस को सर बोस भी कहा जाता था। उन्हें भौतिकी, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान तथा पुरातत्व का गहन ज्ञान था। वे दुनिया के पहले ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने रेडियो और सूक्ष्म तरंगों की प्रकाशिकी पर कार्य किया। इसके अलावा वनस्पति विज्ञान में भी उन्होंने कई महत्वपूर्ण खोजें की। वे भारत के पहले रेडियो विज्ञान का पिता कहा जाता है। होमी जहांगीर भाभा, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के बिना भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की कल्पना ही नहीं की जा सकती। उन्हें आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम भी कहा जाता है। उन्हीं की बदौलत 1974 में देश पहला परमाणु परीक्षण करने में सफल रहा। उन्होंने एक तरह से देश को परमाणु शक्ति संपन्न बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चौंकाने वाली बात यह थी कि उन्होंने नाभिकीय विज्ञान में तब कार्य आरंभ किया जब इसके बारे में ज्ञान न के बराबर था, जबकि उनकी नाभिकीय ऊर्जा से विद्युत उत्पादन की कल्पना को तो कोई मानने को तैयार नहीं था। सत्येंद्रनाथ बोस, इस महान भारतीय वैज्ञानिक की महानता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि भौतिक शास्त्र में बोसान और फर्मियान नाम के दो अणुओं में से बोसान सत्येंद्रनाथ बोस के नाम पर ही है। उन्होंने अपने समय के महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ मिलकर बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स। वेंकटरामन रामकृष्णन, तमिलनाडु के चिदंबरम जिले से आने वाले भारतीय मूल के वेंकटरामन रामकृष्णन को साल 2009 में रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार दिया गया। रामन को यह पुरस्कार कोशिका के अंदर प्रोटीन का निर्माण करने वाले राइबोसोम की कार्य प्रणाली व संरचना के उत्कृष्ट अध्ययन के लिए दिया गया। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 में भौतिक शास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर श्वेत बौने नाम के नक्षत्रों की खोज की। उनके द्वारा खोजे गए इस नक्षत्रों की सीमा को चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। इस भारतीय वैज्ञानिक की इस खोज ने दुनिया की उत्पत्ति के रहस्यों को सुझाने में बहुत योगदान दिया। वे महान भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन के भतीजे थे। उनका नाम 20वीं शताब्दी के महान वैज्ञानिकों की सूची में शुमार किया जाता है। उन्होंने खगोल भौतिक शास्त्र तथा सौरमंडल से संबंधित विषयों पर अनेक पुस्तकें लिखी। हरगोविंद खुराना, भारतीय मूल के इस अमेरिकी नागरिक और वैज्ञानिक डॉक्टर हरगोविंद खुराना को 1968 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया।
उन्होंने आनुवांशिक कोड डीएनए की व्याख्या की और उसका अनुसंधान किया। खुराना ने मार्शल निरेनबर्ग और रॉबर्ट होनले के साथ मिलकर चिकित्सा के क्षेत्र में काम किया। खुराना के इस अनुसंधान से चिकित्सा क्षेत्र को यह पता लगाने में मदद मिली कि कोशिका के आनुवंशिक कोड को ले जाने वाले न्यूक्लिक अम्ल एसिड न्यूक्लियोटाइड्स कैसे कोशिका के प्रोटीन संश्लेषण सिंथेसिस को नियंत्रित करते हैं। सीवी रमन, इनका पूरा नाम चंद्रशेखर वेंकटरमन था और विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पाने वाले वे पहले वैज्ञानिक थे। 1930 में उन्हें भौतिक शास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। वेंकटरमन ने प्रकाश पर गहन अध्ययन किया। उनके आविष्कार को रमन किरण के रूप में जाना गया। रमन प्रभाव स्पेक्ट्रम पदार्थों को पहचानने और उनकी अंतर परमाणु योजना का ज्ञान प्राप्त करने का महत्वपूर्ण साधन के रूप में जाना गया। रमन को 1954 में भारत रत्न दिया गया, जबकि 1957 में लेनिन शांति पुरस्कार प्रदान किया।